नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष गुणों वाली फसल की 35 किस्में राष्ट्र को समर्पित की। कहा, किसानों और वैज्ञानिकों के तालमेल से देश को नई चुनौतियों से निपटने में मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, किसानों को फसल आधारित आय प्रणाली से बाहर निकालने और उत्पादों को मूल्य वर्धित बनाने तथा खेती के अन्य विकल्पों के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मौतों को शून्य स्तर पर लाने के लिए ठोस कदम उठाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, हिमालय क्षेत्र में सड़क नेटवर्क बढ़ाने से वहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा के 3 और राज्य विधानसभाओं की 30 सीटों के उपचुनाव की घोषणा की। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 87 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.81% हुई। जर्मनी में वामपंथी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को संघीय चुनाव में सर्वाधिक वोट मिले। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा से जानमाल का नुकसान और आईपीएल क्रिकेट में आज दिन के 3:30 बजे शारजाह में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा और दूसरे मैच में शाम 7:30 बजे अबुधाबी में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं कनकलता। देशभर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, केरल के गांधी के रूप में लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं। इस प्रश्न का सही जवाब है कोयापल्ली केलप्पन। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान श्री केलप्पन ने केरल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किया। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से इस प्रश्न का जवाब मिला है और सही उत्तर देने वाले लकी विजेता हैं पश्चिम बंगाल में उत्तरी 24 परगना की श्रेया साहा। मेरा नाम श्रेया है, मैं पश्चिम बंगाल के ओर से अमृत महोत्सव क्विज का विजेता बनने पर आकाशवाणी समाचार का शुक्रिया अदा करती हूँ। बंगाल का आजादी की लड़ाई में बड़े भूमिका रही है। सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस जैसे आजादी का दीवानों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं देशवासियों को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर आयोजित अमृत महोत्सव के हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद। और अब अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। प्रश्न एक बार फिर सुन ले, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल amritmahotsavquiz@prasarbharti.gov.in पर भेजें। इसे फिर सुन ले, व्हाट्सएप नंबर 8826546262 या ईमेल आईडी amritmahotsavquiz@prasarbharti.gov.in पर भेजें।
एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और प्रतीकात्मक पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि को उद्योग के रूप में ही नहीं बल्कि इसे एक अवसर के रूप में विकसित कर कृषि से संबंधित बुनियादी बातों के बीच संतुलन बनाने और भविष्य में आगे बढ़ने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि आधारित आय से बाहर निकालकर उन्हें मूल्य वर्धित और कृषि के अन्य विकल्पों के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष गुणों वाली फसल की 35 किस्में राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने यह भी कहा कि नई पर्यावरणीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बीजों की ऐसी किस्म तैयार करनी होगी जो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो। इन किस्मों से कुपोषण की समस्या के उन्मूलन और फसलों को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। भिन्न भिन्न परिस्थितियों की वजह से किसान एक ही फसल उगाने लग गया, इस स्थिति को भी हमें मिलकर बदलना ही होगा। आज जब क्लाइमेट चेंज की चुनौती बढ़ रही है तो हमें अपने कार्यों की गति को भी बढ़ाना होगा। बीते वर्षों में इसी भावना को हमने किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए प्रौद्योगिकी के माध्यम से समानांतर कृषि का विकास अनिवार्य है। बीते 6-7 सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी को खेती से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया जा रहा है। विशेष रूप से बदलते हुए मौसम में नई परिस्थितियों के अनुकूल अधिक पोषण युक्त बीजों, इस पर हमारा फोकस बहुत अधिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को 11 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं ताकि वे अपनी भूमि सुरक्षित रख सकें। सरकार ने कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की हैं और 100 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। कार्यक्रम के दौरान कृषि विश्वविद्यालयों को ग्रीन कैंपस पुरस्कार भी दिए गए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश में बाढ़, शीतलहर और भीषण गर्मी में लू की चपेट में आने से होने वाली मौतों के आंकड़े को शून्य स्तर पर लाने के लिए ठोस कदम उठाएगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 17वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने यह बात कही। आज 17 साल की जर्नी में पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमने काफी बड़ी मंजिल काटकर आज यहाँ पर खड़े हैं, मगर आगे देखते हैं तो बहुत बड़ा रास्ता काटना भी बाकी है। अभी संतुष्ट होने के स्टेज पर हम नहीं पहुंचे हैं। मेरा मानना है आपदा प्रबंधन का तंत्र देश में इस प्रकार से होना चाहिए कि कितनी भी घोर आपदा हो, एक भी व्यक्ति की जान न जाए, इस प्रकार का तंत्र बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे सामने यही लक्ष्य रखा है। श्री अमित शाह ने कहा कि देश के 350 जिलों में आपदा मित्र स्वयं सेवकों की सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। सड़क परिवहन और उच्च राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि हिमालय क्षेत्र में सड़क संपर्क से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। ये केवल रोड न बने, ये सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक सेंटर बने ताकि यहाँ के लड़कों को रोजगार कैसे मिले, यहाँ की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी कैसे दूर हो। और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि टूरिज्म इज अ सेक्टर जहाँ 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल पे खर्चा होती है।
श्री गडकरी ने आज जम्मू कश्मीर में जेड मोड़ सुरंग के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और समीक्षा की। सुरंग के बन जाने के बाद श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच सभी मौसम में सड़क संपर्क हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री जोजिला सुरंग के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा की 3 सीटों के उपचुनाव की आज घोषणा की। मध्य प्रदेश में खंडवा, हिमाचल प्रदेश में मंडी और दादरा नगर हवेली सीट के लिए 30 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। आयोग ने 14 राज्यों की 30 विधानसभा सीटों के उपचुनावों की भी घोषणा की है। लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों की अधिसूचना 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। नामांकन 8 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और एल मुरुगन को राज्यसभा के लिए चुने जाने पर बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वे संसदीय प्रक्रिया और सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने में सहयोग देंगे। उन्होंने कहा कि ये प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता के लिए गर्व का विषय है कि पुदुचेरी से पहली बार भाजपा नेता राज्यसभा सांसद बना है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भवानीपुर सीट के उपचुनाव के प्रचार के दौरान अपने नेता दिलीप घोष पर कथित हमले को लेकर आज चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। श्री यादव ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 87,07,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 1,02,22,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में अब नए संक्रमित लोगों की संख्या 20,000 से कम है। पिछले 24 घंटे के दौरान 18,000 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सक्रिय मामले 1% से कम हैं और इस समय 0.8% हैं, जो पिछले मार्च से सबसे कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में स्वस्थ होने की दर 97.81% है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष गुणों वाली फसल की 35 किस्में राष्ट्र को समर्पित की। कहा, किसानों और वैज्ञानिकों के तालमेल से देश को नई चुनौतियों से निपटने में मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, किसानों को फसल आधारित आय प्रणाली से बाहर निकालने और उनके उत्पादों को गुणवत्तापूर्ण बनाने तथा खेती के अन्य विकल्पों के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मौतों को शून्य स्तर पर लाने के लिए ठोस कदम उठाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, हिमालय क्षेत्र में सड़क नेटवर्क बढ़ाने से वहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा की 3 और राज्य विधानसभाओं की 30 सीटों के उपचुनाव की घोषणा की। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 87 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। जर्मनी में वामपंथी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को संघीय चुनाव में सर्वाधिक वोट मिले। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा से जान माल का नुकसान और आईपीएल क्रिकेट में आज दिन के 3:30 बजे शारजाह में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा और दूसरे मैच में शाम 7:30 बजे अबुधाबी में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। जर्मनी में हाल में हुए चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलने से गठबंधन सरकार बनने के आसार हैं। हालांकि वामपंथी विचारधारा वाली सोशलिस्ट पार्टी ने संघीय चुनावों में बहुत कम अंतर से जीत का दावा किया है। कड़ा मुकाबला होने की वजह से किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। इसे देखते हुए गठबंधन सरकार के आसार हैं। सरकार गठन के लिए बातचीत में काफी समय लग सकता है, तब तक एंगेला मर्केल कामकाज देखती रहेंगी। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में दिन के 3:30 बजे शारजाह में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। दूसरे मैच में शाम 7:30 बजे अबुधाबी में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। मध्य प्रदेश सरकार आज भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित कर रही है। पुरस्कार समारोह में हिस्सा लेने के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम कल भोपाल पहुंच गई थी।
देश आज महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की 114वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक ट्वीट में कहा कि भगत सिंह महान देशभक्त और राष्ट्रवादी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शहीद भगत सिंह को नमन किया है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि उनके बलिदान ने अनगिनत लोगों में देशभक्ति का संचार किया। फिल्म डिवीजन शहीद भगत सिंह की निर्भीकता और साहस के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप अपनी वेबसाइट filmsdivision.org और यूट्यूब चैनल youtube.com/filmsdivision पर वृत्तचित्र दिखाएगा। और अब प्रस्तुत है आज का संस्कृति संदेश। दशकों तक अपने गायन के बल पर संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाली लता मंगेशकर के जन्मदिन पर हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह प्रधानमंत्री ने लता दीदी के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी थी। लता दीदी प्रणाम, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। प्रणाम। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई दे दूं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। लता दीदी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ। ये बचपन से ही गायक बनना चाहती थी, लेकिन उनके पिता नहीं चाहते थे कि ये फिल्मों में आएं। बाद में पिता की असामयिक मृत्यु के बाद परिस्थितियां ऐसी बनी कि केवल 13 साल की उम्र में उन्हें हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म 1942 में आई पाहिली मंगला गौर रही। 1948 में लता जी ने जिस समय पार्श्व गायिकी में कदम रखा, तब यहाँ नूरजहां, अमीरबाई कर्नाटकी, शमशाद बेगम और राजकुमारी का बोलबाला था। ऐसे में उनके लिए अपनी पहचान बनाना आसान नहीं था। फिल्म महल में खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया इनका गाना हिट हो गया। इसके बाद लता जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 6 दशक के अपने लंबे फिल्मी करियर में लता मंगेशकर ने 20 से अधिक भाषाओं की 30,000 से अधिक गाने गाए हैं। 1974 में इनका नाम सबसे अधिक गीत गाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। 6 बार इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1993 में इन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। यही नहीं बल्कि लता जी को राजीव गांधी पुरस्कार, NTR पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। साथ साथ लता जी को 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1969 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीरांगनाओं की गाथा को कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लेकर आया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। हमारे परिक्रमा कार्यक्रम में प्रत्येक मंगलवार को शाम 4:45 बजे इसे प्रसारित किया जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता। देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन।
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संघर्ष की एक झलक लेकर आता है। आज शहीद भगत सिंह की जयंती है। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के एक सिख परिवार में हुआ था। भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह ब्रिटिश शासकों के खिलाफ लड़ने के कारण जेल में थे। किशन सिंह महात्मा गांधी के अनुयायी थे। उन्होंने सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों का बहिष्कार करने के गांधी जी के आह्वान के बाद स्कूल छोड़ दिया और लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला ले लिया। वहां उन्होंने यूरोपीय क्रांतिकारी आंदोलनों का अध्ययन किया। भगत सिंह के माता पिता ने उनकी शादी कराने की कोशिश की, लेकिन भगत सिंह ने कहा, अगर मैंने गुलाम भारत में शादी की तो मेरी दुल्हन केवल मौत होगी। भगत सिंह घर छोड़कर कानपुर चले गए और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। एक साल बाद मई 1927 में उन्हें काकोरी कांड में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। कई हफ्ते बाद उन्हें रिहा किया गया। इस बीच उन्होंने विभिन्न क्रांतिकारी समाचार पत्रों के लिए लिखना शुरू कर दिया। 1928 में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के आगमन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व किया था। पुलिस ने क्रूरता से लाठी चार्ज किया जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने दम तोड़ दिया। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके सहयोगियों ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट की हत्या की साजिश रची, लेकिन इन क्रांतिकारियों ने गलती से जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी। इस घटना को 1929 के लाहौर षड्यंत्र मामले के रूप में जाना जाता है। अप्रैल 1929 में भगत सिंह और उनके एक सहयोगी ने सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक का विरोध करने के लिए दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बमबारी की। वे कथित तौर पर जो बम लेकर गए थे वो मारने के लिए नहीं बल्कि डराने के लिए था और वास्तव में कोई मारा भी नहीं गया था, हालांकि कुछ लोगों को चोट आई थी। हमलावरों ने गिरफ्तार होने और मुकदमा चलाने की योजना बनाई ताकि वे अपनी गतिविधियों को और बढ़ा सकें। भगत सिंह को जेपी सॉन्डर्स की हत्या और लाहौर में बम निर्माण षड्यंत्र मामले के लिए फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे के दौरान उन्होंने जेल में भूख हड़ताल का नेतृत्व किया। उन्हें इस मामले में दोषी पाया गया और 23 मार्च 1931 को लाहौर में सुखदेव तथा राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई। हर साल 23 मार्च स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि के रूप में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे। आज ही के दिन 1837 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर 65 साल की उम्र में गद्दी पर बैठे थे। वे एक कवि और कलाकार थे। जब तक बहादुर शाह गद्दी पर बैठे, मुगल शासन के अधीन क्षेत्र केवल दिल्ली तक ही सिमट कर रह गया था। बहादुर शाह को सहिष्णु और शांतिप्रिय शासकों में गिना जाता था और कहा जाता है कि उनकी धार्मिक तटस्थता के कारण 1857 के विद्रोह के सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचने पर उन्हें अपना राजा घोषित कर दिया था। दिल्ली में 1857 के विद्रोह की चिंगारी बुझ गई जब 19 सितंबर 1857 को लाल किले पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। दो दिन बाद 21 सितंबर को बहादुर शाह और उनके परिवार के सदस्यों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। बहादुर शाह जब पकड़े गए तो उन्होंने अपनी शायरी एक ब्रिटिश अधिकारी को सुनाई। हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तैर हिंदुस्तान की। बहादुर शाह के दो पुत्रों और उनके पोते को हडसन ने सार्वजनिक रूप से दिल्ली गेट के पास गोली मार दी थी। ये स्थान खूनी दरवाजे के नाम से जाना जाता है।
27 जनवरी 1858 को लाल किले में विद्रोह, राजद्रोह और हत्या के आरोप में बहादुर शाह जफर पर मुकदमा शुरू हुआ। उन्हें दोषी ठहराया गया और रंगून में निर्वासित कर दिया गया, जहां 7 नवंबर 1862 को 83 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके कुछ अंतिम शब्द इस प्रकार हैं। उम्रे दराज मांग के लाए थे चार दिन, दो आरजू मिकट गए दो इंतजार में, दिन जिंदगी खत्म हुए शाम हो गई, फैला के पांव सोएंगे कुंजे मजार में। कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए दो गज जमी भी न मिली। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। समाचार सेवा प्रभाग के स्पॉटलाइट कार्यक्रम में विशेष श्रृंखला सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के प्रसारित की जा रही है। आज की कड़ी है सुविधाजनक जीवन। ये लोगों का जीवन आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता और उनके नेतृत्व में किए गए प्रयासों को दर्शाता है। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:15 एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये हमारी वेबसाइट newsonair.com और यूट्यूब चैनल newsonair ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। महाराष्ट्र में नागपुर से जा रही राज्य परिवहन की एक बस आज सुबह बह गई। ये बस नांदेड़ जाने के लिए यवतमाल जिले के दाहेगांव गांव के पास एक बाढ़ वाली सड़क को पार कर रही थी। स्थानीय बचाव दल और जिला प्रशासन लापता यात्रियों का पता लगाने का प्रयास कर रहा है। पश्चिमी विदर्भ के वाशिम, बुलढाणा और यवतमाल जिलों के कुछ हिस्सों में आज सुबह से हो रही तेज वर्षा से जानमाल का नुकसान हुआ है और फसलें बर्बाद हो गई हैं। पैनगंगा नदी में उफान के कारण बुलढाणा जिले के कई सड़कों पर पानी भरा हुआ है। मराठवाड़ा क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। बीड जिले में इस साल रिकॉर्ड बारिश हुई है। जिला प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया है। अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। देश के उत्तरी भागों श्रीनगर, गिलगित और मुजफ्फराबाद में मौसम साफ रहेगा। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, अगरतला और गैंगटॉक में भी बादल छाए रहेंगे। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarbharati.gov.in पर भेजें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष गुणों वाली फसल की 35 किस्में राष्ट्र को समर्पित की। कहा, किसानों और वैज्ञानिकों के तालमेल से देश को नई चुनौतियों से निपटने में मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, किसानों को फसल आधारित आय प्रणाली से बाहर निकालने और उत्पादों को मूल्यवर्धित बनाने तथा खेती के अन्य विकल्पों के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मौतों को शून्य स्तर पर लाने के लिए ठोस कदम उठाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, हिमालय क्षेत्र में सड़क नेटवर्क बढ़ाने से वहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा की 3 और राज्य विधानसभाओं की 30 सीटों के उपचुनाव की घोषणा की। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 87 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.81% हुई। जर्मनी में वामपंथी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को संघीय चुनाव में सर्वाधिक वोट मिले। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा से जानमाल का नुकसान और आईपीएल क्रिकेट में आज दिन के 3:30 शारजाह में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। दूसरे मैच में शाम 7:30 अबुधाबी में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।